असलम स्टूडेंट्स टूडे वी कंटिन्यू आर रीडिंग लेसन इलेवन आ स्टोरी फ्राम द लाइफ ऑफ एन इक्वेरियम पेज नंबर वन हंड्रेड एट ही पुट द जार विद द न्यू फिश ऑन दिंडो सेल अपिट द इक्वेरियम उसने लड़के ने जो है न्यू फिश को जार में डाला और विंडो जो विंडो के पास उसको रखा इक्वेरियम के अपोजिट साइड पर उसके बिल्कुल सामने the queen fish could plainly see everything that was happening in the aquarium jo queen fish thi wo sab kuch dekh sakti thi jo kuch bhi aquarium mein ho raha tha but of course she turned her circled back on them and proudly looked to other way उसने aquarium की तरफ अपना back कर दिया था और वो फ़खर से दूसरी तरफ देख रही थी One day when nobody was at home एक दिन जब घर पे कोई भी नहीं था द फैमिली पेट कैट क्रैप टू क्रैप अप टू द जार विद द लिटिल कैश फिश उनका एक फैमिली पेट था जो कि कैट थी बिल्ली वो दबे पाँव जार की तरफ गई उस सुर्ख मछली की तरफ ही हैड बीन वॉचिंग हर फॉर अ लॉन्ग टाइम वो उसे काफ़ी देर से देख रही थी एवर सिंस द बॉय हैड फर्स्ट पुट हर इन टू द एक्वेरियम तब से देख रही थी जब से उस लड़के ने उसे एक्वेरियम से बाहर निकाला था नॉर्मली द कैट डिड नॉट पे मच अटेंशन टू द फिश इन द एक्वेरियम आम तौर पे जो मछली uh, बिल्ली है वो मछलियों पे तो नहीं देती लेकिन ये मछली जो है वो अट्रैक्ट कर रही थी उसको वाई शुड ही वैन द फैमिली गेव हिम प्लेंटी ऑफ डिलीशियस कैट फूड लेकिन वो क्यों उसकी तरफ एट्रैक्ट हो रही थी जबकि फैमिली तो उसे बहुत डिलीशियस फ़ूड देती है बट दैट वन फिश वॉज सो एट्रैक्टिव लेकिन वो मछली बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव थी पुरकशिश थी सो अनयूजल दैट द कैट जस्ट कुड नॉट पुट हर आउट ऑफ हेज़ माइंड इस वजह से जो बिल्ली है वो उसको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी द क्विं फिश द क्विंट फिश वॉज स्लिपिंग क्विंट फिश जो थी वो सो रही थी एंड द कैट वॉज जस्ट अबाउट टू स्टिकप इन टू हर जार वन समथिंग एस्टनोशिंग हैपन्ड बिल्ली अभी उसके जार में पंजा मारने वाली थी लेकिन जब ही कुछ हैरत अंगेज हुआ ऑल द फिश इन द इक्वेरियम हैड बिन वॉचिंग द कैट इंटेंटली जितनी फिशेज थी एक्वेरियम वे वो बिल्ली को बहुत घूर घूर के देख रही थी मोस्ट ऑफ देम वक्टली हैप्पी टू लुक ऑन एज द ऑफल पनिशमेंट रू क्लोजर एंड क्लोजर टू देअर वन टाइम टॉर्मेंटो कुछ उनमें से जो मछलियाँ थी वो देख के बिल्ली को उसकी तरफ जाते हुए देख के खुश हो रही थी के मछली को उसकी सज़ा मिलेगी ओनली द काइंड लिटिल क्रैप शेड आर्टियर बस उसमें से जो लिटिल क्रैप था केकड़ा उसकी आंखों में आंसू आए ही वॉज सो अफ्रेड फॉर हर वो उसके लिए उस आ, फिश के लिए बहुत परेशान हुआ फाइनली ही किड नॉट स्टैंड इट एनी लॉन्गर एंड ही क्राइड आउट और आखिरकार वो ज़्यादातर चुप ना ज़्यादा देर चुप ना रह सका और उसने जोर से बोला वाई डोंट वी हेल्प हर हम उसकी मदद क्यों ना करें आफ्टर ऑल इज़ अ फिश टू जबकि वो भी एक मछली है द फिश जस्ट लाफ्ट एट द लिटल क्रैप एंड कीप्ड ऑन क्लेमिंग वॉचिंग द कैट विद अन ब्लैंकिंग आइस जो मछलियाँ थीं वो उस पर हंसने लगी केकड़े पे और बस उस कैट को देखती रहीं द लिटिल क्रैप स्टार्टेड टू बैंग ऑन द ग्लास वॉल ऑन द एक्वेरियम विद हिज क्लॉ छोटे क्रैप ने जो केकड़ा था उसने जो एक्वेरियम का ग्लास था उस पर जोर जोर से अपने पंजों के साथ बजाना शुरू किया होपिंग एट लीस्ट टू वांट द लिटिल फिश अबाउट द डेंजर शी वॉज इन वो ये सोच के कर रहा था कि उसको उस जो मछली न्यू क्वीन uh, मछली है क्वीन फिश है उसको इस खतरे के बारे में अलाउ कर सके खतरे से आगा कर सके बट शी वॉज साउंड स्लीप लेकिन वो मछली जो थी वो सो रही थी द ट्रबल कैट्स पॉ वॉज जस्ट इन चीज़ अवे

पुराना इक्वेरियम इतनी सख्त से लरज उठा और जोर से बज उठा फ्रॉम सच आ ब्लो दैट फॉर अ मूवमेंट नोन ऑफ द फिश कुड हेयर अ थिंग उसी टाइम जो मतलब इतनी जोर से उसने अपने आप को उस शीशे पे मारा तो बाकी मछलियाँ मतलब सुन नहीं पा रही थी इतनी ज़ोर से मारा द कैट वॉज सो फ्राइटेंड बाय द नॉइज दैट ही टुक ऑफ एट फुल टाइल्ड बिल्ली जो थी वो बहुत घबरा गई उस आवाज से द रिंग क्रैश ऑल्सो वॉक द लिटल स्कारलेट फिश वो जो रिंग, वो जो आवाज़ थी वो क्रैश की आवाज़ जो है उससे वो लिटिल फिश जो थी वो भी जाग गई हार्डली एबल टू बिलीव इन हर नैरो एस्केप शी सिल्वर इन ऑनर एज द कैट फैल्ड वे बिल्ली के भागते ही वो खौफ में मुबतला हो गई दैट इवनिंग वेन द बॉय वॉज गिविंग फूड टू हिज फिश ही नोटिस दैट दे वर स्टार्टिंग टू लुक बेटर एक शाम जब लड़का जो है वो उनको खाना दे रहा था तो उसने नोट किया कि अब जो है फिश जो मछलियाँ हैं वो बेहतर नज़र आ रही हैं ही डिसाइडेड टू पुट द ब्यूटिफुल स्कारलेट फिश बैक इन द एक्वेरियम उसने डिसाइड किया कि वो जो स्कारलेट फिश है जो क्वीन फिश थी उसको दोबारा एक्वेरियम में डाले सो शी वुड नॉट गेट बोर्ड इन द जार तो जो है वो मछली जो है वो बो जार में जो है वो बोर नहीं होगी ऑल बाय हर सेल्फ एज फर्स्ट ऑल द फिश वर वॉरिफाइड पहले तो सब जो थीं वो थोड़ा घबरा गए एंड ओनली द लिटिल क्रैब वाज कैम एज ही गेव हर आ वेलकमिंग स्माइल लेकिन जो लिटिल क्रैप था उसने जो है उसको वेलकम किया और उसको स्माइल दी येट नो सोनर वॉज द लिटिल फिश इन द एक्वेरियम अगेन सोनर फिश को दोबारा उस इक्वेरियम में डाला गया देन ही whispered वेरी सॉफ्टली वो बहुत आहिस् आवाज़ में बात करने लगी I miss you so much मैंने तुम सबको बहुत मिस किया My fish friends मेरी मछली दोस्तों प्लीज़ लेट मी live टुगेदर प्लीज़ मुझे अपने साथ रहने दो विद यू इन योर वंडरफुल aquarium अपने खूबसूरत एक्वेरियम में द वेरी बेस्ट होम फॉर फिश इन द इंटायर वर्ल्ड जो कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छा घर है एंड द ओल्ड इक्वेरियम ग्लोड विद हैप्पीनेस और जो पुराना इक्वेरियम था वो ख़ुशी से भर गया वैन इट हेड सच वर्ड्स ऑफ प्राइस जब क्विंफिश ने उनकी तारीफ की सो योर चैप्टर इज़ कम्प्लीट होप यू अंडरस्टैंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो अल्लाह